चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उकवा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में लगाई झाड़ू। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा उकवा बस स्टैंड में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया। बस स्टैंड उकवा से लेकर नागौर रोड बहुत ही अधिक खराब हो गई है, जिसकी चिल्ली भी निकल आई है, जिसके कारण धूल एवं गुब्बारे उड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर उकवा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुनील टेकाम, रविंद्र सोनी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सुनील कोरी, अनिल कोरी, राजेंद्र चौधरी, अरुणा मर्सकोले, एडलिना सिक्का, सुजीत कटरे, नागेश्वर राणा, राजू नागेश्वर मालती एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा स्टैंड से लेकर रेंज ऑफिस तक झाड़ू लगाते हुए नजर आए और स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही सड़क से धूल के गुब्बारे उड़ने को लेकर भी विरोध जताया है। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। हम लोग आज शासन प्रशासन को जागरूक करने के लिए आए हैं कि शासन प्रशासन इस बात को समझे कि जो रोड वो प्रशासन बना कर देता है, रोड कम से कम कुछ नहीं तो इस लायक तो बने, इस लायक तो बने कि कम से कम रोड सही चले। अभी हमारे उकवा की रोडों की ये स्थिति है कि यहाँ पर चलना दूभर है, आई फ्लू फैला है, लोगों को बीमारियाँ हो रही है प्रदूषण के कारण में। इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि आज हम प्रशासन को जागरूक करने के लिए झाड़ू लगाकर हम अपना प्रदर्शन शो कर रहे हैं। और साथ में हम प्रशासन को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये कार्य जल्दी से जल्दी रोड का नहीं हो पाया तो हम लोग आगे जा करके एक उग्र आंदोलन के रूप में इस कार्य को करें। कहाँ से कहाँ तक खराब है रोड? पूरी कुका की रोड खराब है, पूरी कहाँ से कहाँ तक है बोला? पूरी समनापुर से लेकर के पूरी रेंज ऑफिस तक रोड पूरी खराब है। लवगुर तक नहीं है? लवगुर तक की तो रोड बनी ही नहीं है, समझ लो आप, तो ये स्थिति खराब है ना। हाँ, पूरी खराब है, वहाँ तो जाना मुश्किल हो जा रहा है। आप कहाँ तक झाड़ू लगाएंगे? अभी हम लोग उकवा लगा रहे हैं पूरी झाड़ू, रेंज ऑफिस तक। रेंज ऑफिस तक कहाँ से? समनापुर से चल रहे हैं रेंज ऑफिस तक। जय हिंद, मेरा नाम सुनील टेकाम है, मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और बताइए। और आज हम एक झाड़ू लेकर के हम रोड पर निकले हैं। ये जो रोड की दशा है हम बीते दो सालों से देख रहे हैं, यहाँ प्रशासन शासन का कोई ध्यान है और ना ही कोई रुझान है इस क्षेत्र को। हम देखते हैं जिस प्रकार से पूरा मुरुम मुरुम रोड है, ऐसा लग रहा है ये हाईवे रोड नहीं है, ये मुरुम रोड है, ग्राम ग्राम की सड़क है। इस टाइप का नज़ारा हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है और इससे जो होने वाला प्रदूषण है उससे हर ग्राउंड के आजू बाजू या रोड के आजू बाजू जो दुकानदार पाए जा रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो रहवासी एरिया है वो भी परेशान है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि समय में आई फ्लू जो चल रहा है और ये कचरा जो लोगों के आँखों में जा रहा है वो भी डस्ट, जो डस्ट हमें नुकसान पहुँचा रहा है। तो हम शासन को ये जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो रोड है उसका नवीनीकरण करें, सुधार करें और बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि हम वापस अपनी यातायात को सुरक्षित कर सकें। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।